नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। आज आपको एक और इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाने वाला हूं जो एक्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। नाजायज़ फिल्म की शूटिंग चल रही थी। नसीरुद्दीन शाह जैसे दिग्गज कलाकार, दीपक तिजोरी उनके बेटे का रोल प्ले कर रहे थे और अजय देवगन उनकी नाजायज़ औलाद। हम लोग पूना वाला बंगलो मड आइलैंड में शूट कर रहे थे, महेश भट्ट उसके डायरेक्टर। महेश भट्ट की एक बहुत बड़ी खासियत है कि एक्टर से परफॉर्मेंस बहुत अच्छा निकलवाते हैं। तो नाइट सीक्वेंस चल रहा था और ड्रंक दीपक तिजोरी घर वापस आता है और अपने फादर यानी नसीरुद्दीन शाह को बोलता है कि बापू, अब मैं ना बड़ा हो गया हूँ, मैंने धंधा संभाल लिया है, मैंने ना उसकी सुपारी दे दी है। तो महेश भट्ट बोला, कट कट, बहुत अच्छा कर रहा है, बिना हाथ उठाए कर। अब जब दीपक तिजोरी ने बिना हाथ उठाए, बिना बॉडी लैंग्वेज यूज़ करके डायलॉग बोलने की कोशिश की तो वो इंटेंसिटी नहीं आई। तो क्या हाथ उठा के बात करने से इंटेंसिटी आती है या फेशियल एक्सप्रेशन यानी आइज और वॉइस से आती है? कौन सी एक्टिंग अच्छी है, एनिमेटेड बॉडी लैंग्वेज वाली या सिर्फ चेहरे से, आवाज़ से, आंखों से एक्ट करना? जी, एनिमेटेड बॉडी लैंग्वेज यूज़ करना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। जिन एक्टर्स के अंदर एहसास नहीं होता है वो शरीर को इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ तो मैं एंकरिंग कर रहा हूँ तो मैं अपने हाथ वगैरह सबको इस्तेमाल कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि हाथ इस्तेमाल करना या शरीर को इस्तेमाल करना अलाउड नहीं है एक्टिंग में, मगर इफेक्टिव एक्टर जो होता है वो आँखों से और आवाज़ से एक्टिंग करता है। अब दीपक तिजोरी ने वही डायलॉग बोला कि बापू, मैंने ना उसकी सुपारी दे दी है। अब क्या है कि पूरा ध्यान आपके चेहरे पर, एक्टर के चेहरे पर, उसकी आवाज़ पर, उसकी आईज पर जा रहा है। अब अगर ये डायलॉग आप हाथ उठा के बोलते हैं बापू, मैंने ना उसकी सुपारी दे दी है, तो आपका ध्यान एज एन ऑडियंस उसके हाथ पर भी जाता है। ये एक बहुत बड़ी सीख है समझने के लिए एक्टर्स को। बहुत सारे एक्टर्स नहीं जानते कि उनका हाथ जो है वो उसको कैसे रखा जाए, कैसे स्टैटिक रखा जाए, कैसे चला जाए। मैं अपनी जो वर्कशॉप्स करता हूँ उनमें मैं बहुत ज़्यादा इन बातों का ध्यान रखता हूँ कि बॉडी लैंग्वेज, वॉक, उठना बैठना सिनेमैटिक तरीके से कैसा होना चाहिए, जो बहुत सारे लोगों की कमज़ोरी है। बहुत सारे लोग क्लोजअप अच्छा नहीं दे पाते, बहुत सारे लोगों की चाल अच्छी नहीं होती है। तो वो कौन सी थॉट प्रोसेस होती है जो आपकी चाल और आपकी बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल करती है, डिज़ाइन करती है और कहीं पर भी आपकी एनिमेटेड बॉडी लैंग्वेज को हावी नहीं होने देती है? मैं बहुत एक्सप्रेसिव हूँ, बहुत टॉकेटिव हूँ, मगर मैं जहाँ कोई की लाइंस होती हैं या कोई की इमोशनल सीन्स होता है वहाँ पर मैं बहुत ध्यान रखता हूँ कि ज़रा भी एक्टर की या मेरी एज एन एक्टर हाथ वाथ उठा के बॉडी लैंग्वेज से उसका इमोशन भटक ना जाए। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आँखों से और आवाज़ से ही एक्टिंग हो। ये एक्टर्स को बहुत समझने वाली बात है कि हम जनरली एक बहाना ढूंढते हैं, हम एक मेथड ढूंढते हैं कि अरे वो वहाँ गए थे तो वहाँ गए थे तो बताने की ज़रूरत नहीं है, अरे हम वहाँ पे गए थे। कई बार आंखों से काम हो जाता है, तू मारेगा मुझे। देखिए दोनों में इंटेंसिटी ड्रॉप हो गई है। पहला वाला बिना हाथ उठाए बहुत अच्छा आता है, दूसरा वाला जो है वो नकली एक्टिंग बोलते हैं। इसको बोलते हैं कि शरीर को इस्तेमाल कर। इवन हम जब मेरे उस्ताद सज्जाद हुसैन साहब जब हमें म्यूज़िक सिखाते थे तो जब हम लोग गाना गाते करते फेस बनाते थे या हाथ ऐसे उठाते थे तो बोलते थे हाथ से क्यों गा रहे हो, फेस से क्यों गा रहे हो, बिना उसके गाओ, सारे गामा, बिना कुछ शरीर को के किसी भी अंग का इस्तेमाल किए हुए सिर्फ गले से गाओ। तो ये बहुत बड़ी सीख है हम सबको समझने के लिए, एक्टर्स को खासकर, कि इंटेंसिटी और इफेक्टिवनेस अगर अपनी एक्टिंग में बढ़ानी है तो आईज और वॉइस से परफॉर्म कीजिए, हाथ पैर शरीर के दूसरे अंगों से नहीं। और धीरे धीरे आप इसकी घर में प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। देखिए हिंदी सिनेमा में बहुत सारे लोग जो हैं वो ज़बान बहुत अच्छी नहीं जानते और हमारे यहाँ जो एक बार डायलॉग बोल देता है उसको बोलते हैं बड़ा नेचुरल एक्टर है। नहीं, वो एक्टर ही नहीं है क्योंकि उनको लेयरिंग नहीं पता। अगर 6 लाइन का सीन है तो उनको नहीं पता दो लाइन कैसे बोलनी, दो कैसे बोलनी, दो कैसे बोलनी है, वो सबको एक साथ बोल देते हैं। और टेलीविज़न ने इसको और भी स्पॉइल कर दिया क्योंकि टेलीविज़न जो है वो क्लोजअप मीडियम है और छापना होता है, उसमें जल्दी जल्दी एक दिन के अंदर 18 सीन करने हैं, 14 सीन करने हैं। तो एज एन एक्टर इस बात का ध्यान रखिए, एज ए डायरेक्टर इस बात का ध्यान रखिए, इवन एज ए राइटर इस बात का ध्यान रखिए कि बॉडी लैंग्वेज जितनी कम यूज़ हो एक्टिंग उतनी इफेक्टिव होती है। कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो मतलब जैसे सूरमा भोपाली हुआ, बसंती हुआ, उस तरीके के कैरेक्टर्स होते हैं जिनमें आपको उस तरीके से एनिमेटेड बॉडी लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। मगर वो नाजायज़ का किस्सा जो था वो मतलब उसने मेरे बिलीफ को और स्ट्रॉन्ग कर दिया। मैं हमेशा से मानता था कि हाथ उठा के क्यों एक्टिंग कर रहे हैं, बिना हाथ उठाए करना चाहिए, और महेश भट्ट ने एग्जैक्टली कट करके वही करवाया। और वो दीपक तिजोरी का जो एक शॉट हाथ के साथ था और एक शॉट बिना हाथ के साथ था, आप फिल्म कभी देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि इफेक्टिवनेस ऑफ एक्टिंग किसको बोलते हैं, जो एग्जैक्टली मैं अपनी वर्कशॉप में सिखाता हूँ। बहुत जल्दी मेरी वर्कशॉप स्टार्ट होने वाली है, जिनको भी एनरोल करना है तो विवेक शर्मा वर्कशॉप एट जी मेल डॉट कॉम में मेल कीजिए, डिटेल्स लीजिए और मैं फिजिकली
तीन से चार स्टूडेंट रखता हूँ एक बैच में और फिजिकली मैं उनको ट्रेन करूँगा। बाकी कुछ किससे अगले एपिसोड में। जय हिंद।